हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप अच्छे होंगे। आज का हमारा टॉपिक है O3। O3 का जो पील स्क्रब होता है और O3 का जो स्क्रब होता है वो क्या होता है, कौन सी स्किन पे कौन सा स्क्रब जाता है और हमारे लिए हमारे स्किन पे स्क्रब करना कितना सुटेबल। फ्रेंड, हम बात करने वाले हैं O3 के फेशियल पील के बारे में। फेशियल पील क्या होता है? फेशियल पील एक स्क्रब होता है जो कि O3 में हम पील का इसको नाम देते हैं। और नॉर्मली जो हमारे किट होती हैं, जो हमारा फेशियल किट होता है, नॉर्मल मार्केट में स्क्रब मिलते हैं, उसको हम स्क्रब बोलते हैं और इसको हम पील बोलते हैं। इसको पील हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसकी जो स्क्रब होते हैं, जो पील होते हैं, जो O3 के पील होते हैं, वो बहुत ज़्यादा माइल्ड होते हैं। मैं आपको दिखा दे रही हूँ, आप देख सकते हैं, ऐसा लगेगा कि ये क्रीम है। क्रीम के टेक्सचर में इसके जो क्यूटिकल्स होते हैं बहुत ज़्यादा माइल्ड होते हैं, पता नहीं चल रहा होगा। जो कि हम दूसरा स्क्रब लेते हैं तो उसके क्यूटिकल्स बहुत ज़्यादा हार्ड होते हैं, इसको पता नहीं चलता है। अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है तो ये सेंसिटिव स्किन वाले के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है तो आप यही आप O3 का फेशियल कराइए, आप O3 का प्रोडक्ट यूज़ कीजिए या फिर आप O3 के पील यूज कीजिए। हमें स्क्रब वीकली में एक बार करना चाहिए, एक हफ्ते में हमको एक बार स्क्रब करना चाहिए ताकि जो हमारे स्किन पे डेड सेल्स हो जाते हैं मार्केट में निकलने के बाद, बहुत ज़्यादा डस्ट पॉल्यूशन सब आके हमारे स्किन पे अब्जॉर्ब कर लेता है और 1 वीक में हमारे स्किन पे डेड सेल्स भी जमा हो जाता है। तो डेड सेल्स को निकालने के लिए हमको स्क्रब करना चाहिए वीकली में एक बार। हम बात करें इसकी प्राइस की, तो ये हमको पड़ा था 2100 का, जो कि 150 ग्राम है, 150 ग्राम है और ये हमको पड़ा था 2100 का। अगर आप ऑनलाइन परचेज़ करना चाहते हैं तो इसको ये डिस्काउंट में मिल जाएगा, इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा, थोड़ा कॉस्टली तो है लेकिन आपकी स्किन के लिए बहुत ही ज़्यादा सुटेबल है। ये ऑल स्किन टाइप है, अगर सेंसिटिव स्किन है तो आप सेंसिटिव स्किन वाले से यूज कर सकते हैं। फिर मैं तो अपनी तरफ से यही एडवाइस दूंगी कि आप O3 के प्रोडक्ट बेस्ट होते हैं, आप फेशियल भी लीजिए, अगर स्क्रब भी करते हैं तो आप O3 के लिए। सो फ्रेंड, मैं सबकी तरह वीडियो शूट तो नहीं कर पाती हूँ, मेरी एडिटिंग भी अच्छी नहीं होती है, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ कि मैं अच्छी वीडियो बना सकूँ, क्योंकि आप मेरा सपोर्ट करेंगे। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।